मियां जी, आज ओरिजिनल संविधान से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है, मखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। तो थोड़ा मैं आपको अपने पुरखों की विरासत बताता हूं, जिसके बिना पर आपके और आपके बेटे की और आपकी बेटी प्रियंका की राजनीति चलती है। देखिए मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूं, और सोनिया जी आप देखिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका चित्र है, प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब मैं दिखाऊंगा। सोनिया गांधी जी आपके ज्ञान के लिए। अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व के ऊपर क्या है, भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए, मैं तीन चार चित्र ये दिखाऊंगा। सोनिया जी पहचानते हैं इनको आप तो पहचान गए होंगे, हनुमान जी देखिए, देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूं, देखिए हनुमान जी हैं। हाँ, और एक चित्र और दिखाऊंगा, ये देखिए कौन है, नटराज। हाँ देखिए आप, इसमें शिवाजी हैं, झांसी की रानी है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। और सोनिया जी आपके ज्ञान के लिए, इस पर भारत की संविधान सभा के लोगों ने दस्तखत किया। ये देखिए पहला दस्तखत है राजेंद्र प्रसाद का, देखिए नंबर एक, और उसके नीचे सोनिया जी आपके दादा ससुर जी जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत है। देखिए आप, ठीक है, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष संविधान सभा के। और देखिए ये नंबर एक उर्दू में दस्तखत है मौलाना आजाद का, उसके बाद है ये देखिए वल्लभ भाई पटेल का, और फिर देखिए बी आर अम्बेडकर का, और इसमें बिहार के कई नेता श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, के बी सहाय, मृदानंद झा, सबों का दस्तखत है, और बाकी और कई देश भर के नेता जो संविधान सभा के सदस्य। कांग्रेस पार्टी कुछ याद है कि भूल गए हैं? नेहरू जो कभी दिक्कत नहीं हुई कि प्रभु राम का चित्र है इसमें, प्रभु कृष्ण का चित्र है, नटराज रहे, हनुमान रहे, बाबा औरंगजेब नहीं रहे, और आज की कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन धर्म, सबों का अपमान। तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।